नमस्कार दोस्तों, टेक्नोटेक के एक फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एलईडी का जो है थर्ड पार्ट बनाना हूँ पिक्सेल एलईडी के बारे में। आज मैं आपको इसमें कनेक्शन करके दिखाऊंगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आज आपको इसमें और इसमें कनेक्शन करके दिखाऊंगा। इसमें आपको पहले ही बोल दिया हूँ कि कनेक्शन में क्या रखा हुआ है। ये जो है आपका एसी इनपुट के लिए ए टर्मिनल है, एक दूसरा टर्मिनल है, ठीक है? एसी इनपुट के लिए जाएगा। यहाँ से मैं निकल कर रखा हूँ, अलग से एक जो पोर्ट बना के रखा हूँ। इसका जो व्हाइट कलर है ग्राउंड होगा, बीसीसी माइनस। आपको पहले ये तीन पोर्ट बीसीसी माइनस का होता है, उसके बाद ए बीच का हुआ, अर्थिंग हुआ, इसके बाद बीसीसी का एक बीसीसी का सप्लाई ग्राउंड है, ठीक है? ये ग्राउंड में एक मशीन के लिए ले लूंगा, ठीक है? ये जो कंट्रोलर मशीन है इसके लिए लूंगा। और यहाँ से मैं एक वीसीसी इनपुट प्लस एम एलईडी के लिए ले रहा हूँ, ठीक है? तो ये जो डाटा पिन है इसको मैं यहाँ का जो डाटा है वहाँ पर जोड़ूंगा, ठीक है? चलो जोड़ लेते हैं। अच्छा, मशीन में मुझे चलिए मैं 5 वोल्टेज बीसीसी सप्लाई दे रहा हूँ। ग्राउंड को ग्राउंड से दिया हूँ, वीसीसी को वीसीसी का दिया हूँ, ठीक है? इसके बाद मैं इसमें एसडी कार्ड लगा लेता हूँ, मेमोरी कार्ड है। इसको मैं यहाँ से इंसर्ट करूँगा, ठीक है? चलिए अब मैं इसको एडिनो बोर्ड से खोल कर लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर पावर सप्लाई बोर्ड ले आऊँ, मैं इसका दूसरा छोर को दूसरे एलईडी के साथ जॉइन करूंगा। ये देखिए ये भी ग्लो करने लगा है, बट इसका पावर थोड़ा लो है क्योंकि ये इतना ट्रैवल कर रहा है। इसलिए मैं आपको सजेशन करूंगा कि हर एक एलईडी पिक्सल में आप अलग से पावर सप्लाई दीजिए ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। आप में आप जितना जोड़ना जोड़ते चला जाएंगे उतना इसका पावर लेवल लो होता जाएगा, ठीक है? अब ये इससे आपको मोड चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए मैं इसको अलग से पावर सप्लाई देता हूँ ताकि ये सही से चल सके। देखिए अलग से पावर सप्लाई देने के बाद कितने जोर से ग्लो करने लगा, ठीक है? तो चलो इसका मोड चेंज करते हैं।
स्क्रीन को घटा सकते हैं, ठीक है, ये बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हैं, मतलब ये सेट हो जाएगा, चेंज नहीं करेगा। ये तो आप मोड को चेंज कर लीजिए। आशा करता हूँ आपको कोई बहुत वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी सजेशन हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब हो सके तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं एलईडी पिक्सल को लेकर और भी ज़्यादा वीडियो डालने वाला हूँ। इसका अगला जो वीडियो है उसमें मैं आपको इस एलईडी पिक्सल को कंप्यूटर से प्रोग्राम करके दिखाऊँगा और इसमें कोई भी टेक्स्ट एडिट करके दिखाऊँगा, ठीक है। ये देखिए, एक पावर सप्लाई कट हो जाने के बाद ये कितना लो हो गया, जब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ देखिए कितना ग्लो कर रहा है।